So let's solve here one more example that is based on when capital X is x raised to m or any polynomial. Okay, तो CF कैसे find करना है ये आप लोगों को already पता है. अब यहाँ पर auxiliary equation हम लोगों को दिया है d raised to 4 minus 2 d cube plus d square equal to 0, right? अब इसमें से अगर d square को हम common निकालते हैं तो बचेगा क्या, d square minus 2d plus 1 equal to 0, यानी कि either d square is 0 और d square minus 2d plus 1 equal to 0. अब ये जो quadratic equation है इसे हम factorize कर सकते हैं, that is d minus 1 whole square equal to 0. तो यहाँ पर d square equal to 0 यानी कि d equal to 0 कितनी बार repeat हो रहा है, 2 बार, और d minus 1 whole square equal to 0 यानी कि d minus 1 equal to 0 कितनी बार repeat हो रहा है, right, 2 times. तो यहाँ हम लिखते हैं ट्वाइस, ओके. तो यहाँ पर d की वैल्यू 1, ये रिपीट हो रही है 2 बार, तो ये हो गए 2 रूट 0 और 2 रूट 1. सो ये जो फोर्थ डिग्री पॉलिनॉमियल है इसके ये 4 रूट हो गए. तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, yc इज इक्वल टू दो कांस्टेंट ये 0 के लिए होंगे, c1x plus c2 e to the power 0x प्लस अब दो कांस्टेंट ये 1 के लिए होंगे, तो ये हो जाएगा c3x plus c4 e to the power x. तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है ये भी मैंने समझाया है. अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आगे के वीडियोस में भी, मतलब इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए उसमें भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को कैसे फाइंड करना है, तो वहां पर आप देख सकते हैं. अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, yp इज इक्वल टू x अपॉन f ऑफ d होती है. तो यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है, x क्यूब है, और f ऑफ d क्या है, ये d रेस टू 4 माइनस 2d क्यूब प्लस d स्क्वायर इंटू x क्यूब. अब ये जो एग्जांपल्स होते हैं ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करने होते, यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना होता है. एक तो आप ये एग्जांपल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में सॉल्व करें या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के फॉर्म में सॉल्व करें. अब ये दोनों में से कौन से फॉर्म को सेटिस्फाई करता है इस पे डिपेंड करता है. तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपको एक तो या ये फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिखना है, राइट. तो इसे पहले सॉल्व करते हैं. अगर यहाँ पर से हम डी स्क्वायर को कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये जो 1 है इसे हम आगे लिखेंगे क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स चाहिए. और ये जो बची हुई टर्म है हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d, राइट, इंटू एक्स क्यूब. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर को हम फिलहाल बाहर रखेंगे, पहले हम ये सॉल्व करते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू एक्स क्यूब. अब 1 प्लस ये हो गया आपका x, यानी कि ये x, राइट. तो ये जो फॉर्म है हमारा ये है 1 प्लस x का फॉर्म, 1 अपॉन 1 प्लस x का फॉर्म. तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गई डी स्क्वायर माइनस 2d. तो 1 अपॉन 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 सो ऑन. अब ये जो फॉर्मूला ये कंटिन्यू हो रहा है, राइट, पर इसे हमें कहाँ तक कंटिन्यू करना है ये बहुत ज़रूरी है. तो ये हम किस पर डिफाइन करेंगे, ये जो हमारी पॉलिनॉमियल होती है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उस पर से डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पर एक ही टर्म है, राइट, और वो है एक्स क्यूब, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3. तो इसका मतलब ये जो एक्स क्यूब है इसके हम पहले सारे डेरिवेटिव्स निकालेंगे. तो इसका पहला डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, दूसरा डेरिवेटिव होगा 6x, और तीसरा डेरिवेटिव 6, और चौथा डेरिवेटिव 0. यानी कि इसका जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो यहाँ पर क्या है, 0. यानी कि ये पॉलिनॉमियल में
ये जो फोर्थ डिग्री टर्म है ये नहीं चलेगी। तो इसका मतलब हमें जो एक्सपांशन यूज़ करना है वो एक्स क्यूब तक ही यूज़ करना है। तो ये जो हमारी पॉलिनॉमियल है हम अभी इसका एक्सपांशन लिखेंगे। तो इसके हिसाब से ये जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स की जगह पर डी स्क्वायर माइनस टू डी है। तो हमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ यहाँ से टर्म नहीं आएगी, यहीं तक एक्स की जगह पर डी स्क्वायर माइनस टू डी को पुट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स यानी के डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस एक्स स्क्वायर यानी के डी स्क्वायर माइनस टू डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब यानी के डी स्क्वायर माइनस टू डी का होल क्यूब, राइट। और ये पॉलिनॉमियल हमें ऑपरेट करनी है एक्स क्यूब पे। तो अब हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो वन माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस टू डी प्लस, अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा डी रेज टू फोर माइनस फोर डी क्यूब प्लस फोर डी स्क्वायर माइनस, अब ये क्यूब है तो इसे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर का क्यूब यानी डी रेज टू सिक्स माइनस थ्री इंटू डी स्क्वायर का स्क्वायर यानी डी रेज टू फोर इंटू टू डी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि थ्री इंटू डी स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर यानी कि फोर डी स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी कि एट डी क्यूब, राइट, इंटू इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब से। तो यहाँ पर अगर हम ये टर्म को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो फोर्थ डिग्री टर्म है वो नहीं चलेगी, यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो नहीं चलेगा, तो ये डेरिवेटिव यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव के बाद में जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो सारे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो डी रेस टू फोर इंटू डी यानी कि डी रेस टू फाइव ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यानी डी रेस टू फोर ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टर्म्स बची है उनका हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर वन माइनस डी स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा प्लस थ्री डी स्क्वायर, अब यहाँ पर टू डी की एक ही टर्म है तो ये हो जाएगी प्लस टू डी और डी क्यूब माइनस फोर डी क्यूब, ये माइनस है इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस फोर डी क्यूब प्लस एट डी क्यूब, तो ये हो जाएगा फोर डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से ये सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन इंटू एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो डबल डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकेंड डेरिवेटिव है, राइट। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है इसका, सिक्स एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स एक्स प्लस टू डी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स क्यूब का, तो ये क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी क्यूब है तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव क्या है वो है सिक्स, तो ये हो जाएगा फोर इंटू सिक्स। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सिक्स थ्री ज़ा एटीन एक्स प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर। अब वन अपॉन डी स्क्वायर है यानी कि ये डबल इंटीग्रेशन है, वन अपॉन डी यानी कि सिंगल इंटीग्रेशन और वन अपॉन डी स्क्वायर यानी कि डबल इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो टर्म है इसे आपको दो बार इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन डी यहाँ पर बाकी रहेगा
और 1 अपॉन डी यानी कि इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या है, x रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस 18 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 24 एक्स। अब फिर से 1 अपॉन डी यानी कि फिर से इंटीग्रेशन आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, x रेस टू 5 अपॉन 5 इंटू 4 20 प्लस 2 9 जा 18 राइट। तो ये 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 9 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स क्यूब है, 3 टू जा 6 है, तो ये हो जाएगा 2 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 यानी कि ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 प्लस 24 एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आई होप फ्रेंड आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया और हमने यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर कोई पॉलीनॉमियल है या कोई x रेस टू m की टर्म है तो आपको ये दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करना है। वो एग्जाम्पल को एक तो आप 1 प्लस एक्स के फॉर्म में या फिर 1 माइनस एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है जो भी पॉलीनॉमियल है वहाँ पर आपको शुरू में 1 कैसे आएगा ये सोचना है और बाकी की बची हुई सारी जो टर्म्स होंगी उसको आपको x कंसिडर करके सॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो।